हेलो गाइस, मैं मेडम हूँ और आज की वीडियो में आपको मैं एक बढ़िया फिक्स बताने वाला हूँ CS:GO का, क्योंकि काफ़ी दिन से अभी देख रहा हूँ, जब से कुछ शायद अपडेट वगैरह छोटी मोटी अपडेट आई होगी उसके बाद से काफ़ी FPS ड्रॉप आ रहा लोगों का। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा FPS ड्रॉप आ रहा है, यहाँ तक कि मेरा भी आ रहा था। मेरा भी FPS ड्रॉप अभी मेरा अराउंड 150-120 ऐसे फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, बट मेरा भी कल मेरा आ रहा था अराउंड 60 आ रहा था मेरा, उसमें भी साउंड बहुत स्टटर कर रही थी। तो गाइस मैं उसी का फिक्स ला रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका सिंपल फिक्स बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल फिक्स है, 2 मिनट भी लगेंगे करने में। ठीक है, करना क्या है आपको, सबसे पहले अपनी स्टीम खोलनी है। स्टीम खोलने के बाद CS:GO की जो प्रॉपर्टीज में जाना है, देन उसमें बीटाज में, बीटाज के बाद आपको जो ये वाला वर्जन है ना 1.37.4.8, इसको सेलेक्ट करना है। जब आप इसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, या अपडेट करेगा, ठीक है, इसे एक बार अपडेट करना, तो अराउंड 207 MB के अपडेट है। एक बार इसे कंप्लीट हो जाने दो, उसके आगे बताता हूँ आपको। वैसे इसके आगे करना कुछ नहीं है, अपडेट होने के बाद आपको एक बार बस गेम को लॉन्च करना है। ठीक है, लॉन्च करके आपको वो आप खेल नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें वो दिखाता है कि स्टीम क्लाइंट वर्जन ने अपडेट होना चाहिए, ऐसा कुछ वो दिखाता है आपको, पॉपअप से। ठीक है, नोटिफिकेशन टाइप। तो जैसे अपडेट हो रहा है, एक बार आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा करना क्या है। ठीक है ना, और ये कल ही मैंने फिक्स निकाला है, पता लगाया था, कुछ कर रहा था रैंडम, कुछ ट्राई कर रहा था, और एक बार इस चीज़ से फिक्स हो गया मेरा, तो मैंने सोचा इसका फिक्स ही निकाल दो सबके लिए, सब लोग आराम से खेलेंगे भाई, है ना, क्योंकि बहुत लैग, बहुत FPS ड्रॉप आ रहा था यार। अब तो काफ़ी काफ़ी वो ठीक भी हो गया है उसे, जिन जिन को मैंने फिक्स बताया है। ठीक है, आपको पूरा करके दिखाऊंगा, देख सकते हैं मेरा गेम अपडेट हो चुका है। इसके बाद आपको करना है कुछ नहीं, आपको गेम लॉन्च करना है, जब वो बीटा वाली अपडेट डल जाएगी। ठीक है ना, आपको सिंपल गेम लॉन्च करना है। उसके बाद आपको जो मैं पहले बता रहा था, जो स्टीम का क्लाइंट वर्जन का कुछ एरर टाइप का आता है, एरर तो नहीं बोलूँगा, कुछ पॉपअप आता है कि अपडेट करो उसको, तभी तुम खेल पाओगे मैच मेकिंग सर्वर्स में। ठीक है, तभी तुम मैच मेकिंग कर पाओगे। तो अभी आपको एरर दिखाता हूँ, देखो ये एरर है। ठीक है, एरर मतलब पॉपअप समझ लो, योर क्लाइंट नीड्स टू अपडेट। अब आपको कुछ नहीं करना, अब सिंपल गेम को बंद करना है। ठीक है, दोबारा सेम जगह पे जाना है बीटास पे, देन अगेन इसके नन सेलेक्ट कर दो। ठीक है, नन के बाद ये अपडेट मांगेगा, ठीक है ना, अपडेट मांगेगा, इसको दोबारा अपडेट करो, इसे चेक क्लोज कर दो, दोबारा ये अपडेट मांगेगा। ठीक है, इसे अपडेट होने दो पूरा दोबारा, अराउंड 200 MB का ये भी। अब इससे हुआ क्या कि जो आपकी जो डैमेज फाइल थी, जिसकी वजह से आपको शायद स्टटर फिक्स हो रहा था या जो भी FPS ड्रॉप आ रहा था, वो फिक्स हो जाएंगी इससे। ठीक है ना, अब इसे अपडेट हो जाने दो एक बार, ये वेरीफाई। तो गाइस ये फाइनली दोबारा अपडेट हो चुका है नॉर्मल वर्जन में। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अब गेम चलाना है। ठीक है, अब आपका लैग फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपका लैग फिक्स हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं करना, अब आराम से खेलो। तो गाइस आपको आज की वीडियो में बस मुझे इतना ही दिखाना था। ठीक है ना, अगर आपका इसके बाद भी लैग फिक्स नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं आपको दूसरा फिक्स बताऊंगा। ठीक है ना, पर आप एक बार ज़रूर ट्राई करो इस फिक्स को, आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका ठीक हो जाएगा इससे। ठीक है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करो इस फिक्स को, आपका पक्का कह रहा हूँ ठीक हो जाएगा लैग फिक्स। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।